राजनीतिक व्यवस्था में लगातार एक मजबूत सुचित्रता की जरूरत, एक सच्चाई की जरूरत, हमेशा एक मजबूत लीसन लेनी चाहिए। लेकिन जो घटना घटी है हरसिद्धि में, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, पूर्व मंत्रियों ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने जिस तरीके से सालों साल से अरबों खरबों की जमीन के कारण अग्रवाल के परिवार पर जुल्म किए हैं, सरकारी जमीनें बिकती जा रही है, रजिस्ट्री होते जा रहे हैं आम लोग, और सरकार को इसकी भनक तक नहीं। ये थाना CO, DCLR, ADM और वहाँ के नेताओं के मिली भगत से बड़े पैमाने पर बिहार में हुआ है, और इसके खिलाफ विपिन अग्रवाल हमेशा लड़ते रहे। शिकार हो गए कि पत्नी को घसीट करके गुंडों ने घर से ब्लॉक तक ले गया, कपड़े फाड़ दिए, पूरा समाज मुख दर्शक बना रहा। फिर विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी गई, कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं हुए। वहां के भाजपा अध्यक्ष को थाना में 72 घंटे रखने के बाद बड़े पैरवी के कारण उसे छोड़ दिया गया। फिर उनके छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो 14 साल, पूरा परिवार न्याय के लिए दर दर की भीख मांगता रहा, ठोकरे खाते रहे उनके पिता, उनकी पत्नी। ऐसी क्या कारण हुई कि 14 साल के रवि के भीतर, रोहित के भीतर इतनी बड़ी, भगत सिंह से भी बड़ी हिम्मत हो गई निर्णय लेने को? दिनवाले पर जाकर के पुलिस कप्तान ही मिलते हैं, तो फिर आकर के खुद आग लगाकर दिनवाले से कूद जाना। सोचिए, ये किसी बड़े फिल्म पे के पर्दे पर आप नहीं देख रहे, यही हकीकत। मेरा मानना है देश में युवाओं के भीतर, छात्रों के भीतर, मजदूरों और किसानों के भीतर वर्तमान किसी भी नेता और सरकार के प्रति अत्यधिक गुस्सा बढ़ा है। वो जीना चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो फसल की कीमत चाहते हैं, मजदूर अपना अधिकार चाहता है। हर क्षेत्र में लोगों का अभाव बढ़ा है, उसके भीतर डर की स्थिति और अत्यधिक बढ़ी है, असुरक्षित महसूस करते हैं। हम जब लोगों की समस्या से दूर और अपनी राजनीतिक सामाजिक समझ को बिना आर्थिक आजादी के, बिना हेल्थ और एजुकेशन के, स्वतंत्रता के, सिर्फ सियासत और वोट की राजनीति तक सीमित रह जाते हैं, तो धीरे धीरे ये गुस्सा स्वाभाविक बन जाता है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार निहाय थे शांत प्रिय और बिना प्रतिक्रिया, बहुत प्रतिक्रिया नहीं देने वाले लोगों में से एक है। उम्र कभी कभी व्यक्ति को अद्यतन अपने स्वभाव से विकृत कर देता है। जो पीछे कई रैलियों में, हाउस में देखा गया है, नीतीश कुमार अपने स्वभाव से बिल्कुल इधर कुछ बात बोलते दिखे हैं, जो नीतीश कुमार जी का स्वभाव नहीं है। आज जो बिहार की स्थिति है, उसमें सभी सामाजिक क्षेत्रों में आक्रोश अत्यधिक बढ़े हैं। मैं छोटी घटनाओं के जिक्र करूंगा, चाहे वो पलवलपुर की घटना हो, हिलसा की घटना हो, चाहे बेतिया के बलसरपुर की घटना हो, चाहे लगातार शराब से मृत्यु हो, और हर दिन शराब के मुद्दों पर जो एक नाकामयाबी माहौल बनती जा रही है, समाज में लगातार गुस्से इसके भी बढ़ने के कारण। बिहार में जो लगातार हर शहर के जमीन माफिया, बालू, शराब,
या कई ऐसी चीज़ें जो ड्रग्स माफिया, एजुकेशन माफिया, जो आज समाज को ख़त्म करता जा रहा है, अच्छे लोग आ नहीं पा रहे, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन और पार्टी सिर्फ पैसे और माफियाओं को MLC, MLA, निकाय चुनाव में, हम चुनाव में टिकट दे, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने पर जो घटना घटित हुई है वह बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि गुस्से का कारण हो सकता है। वह बच्चे के भीतर जो क्रोध है, और नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा है क्षमा कर देना। मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार को कि सुधारात्मक प्रक्रिया को उन्होंने बढ़ावा दिया, और निदान करने की जो बात कही है बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए।